जय बाबा जी के जय घोष के साथ रंग बिरंगी विद्युत तुलिकाओं और फूलों से सजी बग्घी में विराजित बाबा की मनमोहक प्रतिमा, जगह जगह मंचों से बरसते हुए फूल, बैंड बाजों, भजनों और ढोल पर झूमते सैकड़ों भक्त, मनमोहक सजी धजी झांकी, आगे आगे धर्म ध्वजा लिए चल रहे भक्त, यह नजारा था रविवार को भादो तेजादशमी पर निकल ली श्री बाबा रामदेव की शोभा यात्रा का। नगर में बाबा रामदेव सेवा समिति और वासुदेव समाज जनों ने तेजाजी दशमी पर शाम के समय गौशाला मार्ग से बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें आगे ध्वज लिए ध्वजाधारी चल रहे थे, पीछे भजन मंडली बाबा रामदेव के सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दे रही थी। सुसज्जित बग्घी में बाबा रामदेव के चित्र की स्थापना की गई थी, जिसके रास्ते भर लोगों ने दर्शन पूजन किए। यात्रा शहर के तालाब चौक, दांगी मोहल्ला, माली मोहल्ला होते हुए गुरुवा दरवाजा स्थित रामदेव बाबा मंदिर पहुंची। यहां महा आरती कर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान रास्ते भर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय महोत्सव के तहत नवमी मंदिर में सुबह भंडारे का आयोजन किया गया था, वहीं रात्रि में भजन कीर्तन कर रथ जगह किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बाबा रामदेव जी महाराज की ये पारंपरिक शोभा यात्रा है, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी निकाली गई। बाबा रामदेव जी महाराज कलयुग के साक्षात अवतारी हैं, जिसमें भादो सुदी दूस से वासुदेव समाज में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भादो सुदी दूस से तो दशमी तक सभी समाज के घरों में भजन कीर्तन होते हैं
और उसके बाद जो दसवीं होती है, दसवीं पे हम एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में झंडे चढ़ाने के लिए बाबा रामदेव जी के मंदिर पहुंचते हैं। यह शोभा यात्रा गौशाला मार्ग से प्रारंभ होती है, नाथ गली, सुतार गली, तवड़ी चौक, पारसिंहपुरा से होती हुई तालाब चौक से गुरुवार दरवाजा मंदिर पहुंचती है, जहाँ पे महाआरती होती है, उसके बाद झंडे चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज सबके लोग बाबा रामदेव जी महाराज को सभी धर्म के लोग मानते हैं। इन्हें पीर पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है और बाबा रामदेव जी महाराज ने कई अनेक पर्चे दिए हैं। क्या नाम है? चंदन चौहान, वासुदेव समाज समिति सदस्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।